तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज पहले Q&A में। तो Q&A बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमारे चैनल की तरह है। पर क्या है कि आप लोग इतने टाइम से कह रहे थे तो हमने सोचा कि यार आज Q&A शुरू करते हैं। और हमारे साथ हैं लक्ष्या और हमारी मम्मी, मैं और भूवी और गरिमा। तो हम लोग हैं दो, पांच लोग हैं, ठीक है। तो आज हम दोस्तों पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग जो आप लोगों ने इतना प्यार चैनल को दिया है, आप दे रहे हो, और अब स्टार्टिंग है तो आप लोग खूब शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करते हो, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जितने प्यारे प्यारे कमेंट हम लोग सब पढ़ते हैं और सब है, लेकिन जो रिप्लाई नहीं कर पाते उसके लिए सॉरी भी बोलते हैं। तो Q&A में शायद ये क्वेश्चन भी है, राइट। तो आज हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो आप लोगों के चार पांच क्वेश्चन आए हैं उन लोगों को, उन क्वेश्चंस को हम उठाते हैं, ठीक है। तो एक अंजू पुनेठा जी कह रही हैं कि शिकायत तो मुझे भी आपसे रिप्लाई नहीं करते हो, लेकिन मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने, आप ब्लॉग के माध्यम से हमें रिप्लाई कर सकती हैं, हमें भी आपके अपने जवाब का इंतज़ार रहता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग करते भी हैं बीच बीच में, एक एक सवाल वगैरह लेके हम करते भी हैं, ठीक है। और अभी जो आ रहा है नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन आ रहा है, हेमा जोशी जी पूछ रही हैं कि हेमा आपकी कज़न बहन है या आपकी सगी बहन है? आपने नहीं बताया, वैसे हमें कोई लेना देना नहीं है, कृपया नेगेटिव उत्तर न दें, सभी ब्लॉग की शान है, लिटिल ब्लॉगर को ढेर सारा प्यार, और आप लोगों के ब्लॉग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं आपको बता दूँ, और हेमा के बारे में सब लोगों ने पूछा है, तो हेमा एक्चुअली 2019 में जब हमारी परवा परवली सीरीज आई थी तो उसमें हमें मिली थी, और वो भी मेरी एक बहन है पूजा, तो पूजा को भी मैं थैंक्स बोलूँगा। मेरी बहन पूजा जो है वो भी मतलब ऐसी मुँह बोली ही बहन है, फेसबुक से बहन ही बनी है, तो लेकिन वो भी मतलब बहन ही आप समझ सकते हैं। और उसने जो है पूजा हेमा से मिलाया, और हेमा से भी फिर 2019 से वो धीरे धीरे एक्टिंग में आते रही, और आने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ ना, उसके साथ ऐसे रिश्ते बन गए कि वो भी बहन बन गई बिल्कुल ही। तो वो मतलब वैसे जो स्टार्टिंग जो हुई है उसकी, वो एज एन एक्टर हुई है, लेकिन अब वो बिल्कुल हमारे फैमिली है, हमारे क्योंकि हमारे साथ हमारी टीम में जो भी काम करता है हमारी फैमिली है, तो हेमा भी हमारी फैमिली है। हेमा के लिए कुछ कहोगे तुम? हेमा फैमिली है हमारी, मैं भी उसे अपनी सगी नंदी की तरह मानती हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पता लग जाएगा कि मतलब फैमिली मेम्बर कौन कौन है, तो ये लोग कितने भाई बहन हैं वो अभी ईजा बताएंगी, वो भी शायद एक क्वेश्चन में आएगा। तो हेमा के लिए कुछ बोलेगी? हेमा कैसी है? हेमा ये अच्छी लड़की है, मिलनसार लड़की है, हाँ। और सब चीज़ में आगे है, ठीक है। तो दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। तो अजय दानू जी हैं हमारे, और बहुत पुराने व्यूअर हैं, हमेशा कमेंट करते हैं, Q&A में मेरा नाम जरूर ले लेना। तो दानू जी, अजय दानू जी, आपका नाम मैंने ले लिया है, और आपका धन्यवाद हमारे व्लॉग्स देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और वो कहते हैं कि मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, लाइक कमेंट करता हूँ, और आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, और गरिमा दी भी बहुत अच्छा रोल करती हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय दानू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हैं प्राची पंत जी, हेमा दीदी आपके रियल सिस्टर हैं या कज़न? आप लोग कितने भाई बहन हो? तो हेमा दीदी के बारे में तो बता दिया, हेमा हमारी क्या है, तो हम लोग कितने भाई बहन हैं वो ईजा जो है इस सवाल का जवाब हमारी मम्मी देगी। हाँ, ये दो भाई हैं, और नहीं है तो कौन है? और मतलब नहीं है तो किसकी गलती है, हमारी गलती है, तुम्हारी गलती है? हमारी गलती नहीं है, हमने फायदा किया तुमको। अच्छा, चलो फायदा फिर जो चार खाएंगे वो तो दो ही खाएंगे। तो उस जमाने में भी मतलब उस जमाने में भी देखो जो चारों में बटेगा वो दोनों में ही बढ़ जाएगा। अच्छा, तो उस जमाने में भी इन लोगों ने फैमिली की मर्यादा को रखा है। चलो हाँ, खैर ये बात तो मैं जरूर कहूँगा कि मेरे ईजाओ बहुत पुराने थे, बहुत मतलब आप समझ ही सकते हो, जब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो वो तो पुराने होंगे ही, और इस बात की बहुत खुशी होती है कि वो जो है हमारे दो को फॉलो करते थे, ये बहुत अच्छा लगता था। हालांकि एक बार मैं बता दूँ कि दो बच्चे हो गए थे, हम तीसरा बच्चा मुझे ना बहन की बहुत आवश्यक वो थी, मतलब बहन की बहुत शौक थी, तो हमारे गाँव में एक जगह काफ़ी लड़कियाँ हो रही थी एक घर में, तो मैं एक बोरे में एक बोरा होता ना उसको पकड़ के, हाँ उसको बता तो ईजा। हाँ, ये 10 पैसे होते थे पहले से, उसको लेके गया ये बहन, मेरे को दे दो कहा, अम्मा लगती थी वो। हाँ। और अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, गीता बिष्ट जी कह रही हैं, दादा जी
कब से कब मिलवाओगे? तो दादाजी से आपको वैसे इस बीच वो एक दो ब्लॉग में तो दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो पूरे इसलिए नहीं आए हैं, उसका कारण क्या है मैं बता दूं आपको। तो ज़्यादातर वो अपनी ही प्राइवेसी में रहते हैं, इसलिए हम उनको कभी भी दिखाते हैं वो लंबी वाले पैजामा पहनते नहीं है, मेन रीज़न ये है। योगा में भी रहते हैं? हाँ, वो योगा में भी रहते हैं, पूजा में रहते हैं, और दूसरा क्या है ना, वही अपना प्राइवेसी में ज़्यादा रहते, तो हम इसलिए उनको ज़्यादा वो नहीं करते हैं, इन्वॉल्व ही नहीं करते ज़्यादा। बाकी हालांकि इतने मजाकिया, इतने कॉमेडियन हैं, मस्त हैं एकदम, मतलब ज़बरदस्त हैं, भाई ये यही रहता है वो, इसलिए तो वो थोड़ा सा वो झेप जाते हैं, तो मैं वो कैमरा लेके जाते नहीं हम लोग उनके सामने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है गीता विष्ट जी, हाँ इनको तो आ गया, ये हैं पूजा रवि बेलवाल जी, वो कहते हैं लव यू ऑल, मुझे आपके ब्लॉग बहुत पसंद हैं और मेरा मायका आपके पड़ोस में है। मेरा सवाल है, हेमा आगे सगी सिस्टर है, अच्छा चलो हेमा के बारे में तो बता ही दिया है, और हेमा क्या करती है? मैं बता दूं आपको, हेमा बीएड भी करती है, बीएड कर रही है अभी, और उसके बाद वो पीएचडी भी कर रही है, मतलब हेमा का बीएड कंप्लीट हो गया है और वो अभी करंट में जो है पीएचडी कर रही है। ठीक है, आप अच्छा एंड लास्ट सवाल, आपकी लव मैरिज है या अरेंज? तो इस सवाल का जवाब जो है हर एक ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मैं पहले ये बता दूं कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाले सवाल कितने आए हुए हैं। एक तो पूजा रवि बेलवाल जी का आया है, दूसरा है अंजू पुनेठा जी, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? ठीक है, और फिर जो आया है ये हैं आशा तिलारा जी, आपको बहुत बहुत हमारा नमस्कार है। बहुत बहुत आपको मेरा भी नमस्कार, और इतनी खुशी होती है क्योंकि आपका जो कमेंट है ना हमारे तीनों चैनल में कितने सालों से बराबर आ रहा है, तो आपको नमन है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत ज़्यादा। मैं काफ़ी टाइम से बोलना चाह रही थी, लेकिन आप अगर मेरा व्लॉग देख रही हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। मैं बताऊं आशा तिलारा जी, शायद ही इतना ज़बरदस्त, हाँ इतना प्यार किसी ने दिया होगा, मतलब हम रोज़ देखते हैं आपके कमेंट को और हमें बहुत अच्छा लगता है, आपका कमेंट आ जाता है तो लगता है हमारी वीडियो पूरी हो गई है। ठीक है, और हैं लव मैरिज वाला किस किस ने पूछा है, भूवी किस क्लास में, अच्छा ज्योति जोशी जी पूछ रही हैं भूवी किस क्लास में पढ़ती है, बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके, थैंक यू सो मच ज्योति जी। भूवी कौन सी क्लास है आपकी? प्री नर्सरी बी। प्री कहाँ है यार, अब तो नर्सरी में आ गई बेटा, भूल गई बेटा, नर्सरी है। अब दोबारा बताओ, नर्सरी बी। चलो, भूवी का जो है क्लास है नर्सरी बी, और अंजू पुनेठा जी भी पूछ रही हैं कि अच्छा मैंने बोल दिया ना आपकी लव मैरिज है, इनके सवाल आम है अभी, लव मैरिज वाले किस किस के सवाल है मैंने अभी पढ़ लिया वो, ठीक है सबको बता देना मैंने किस किस ने पूछा है लव मैरिज, आप कहाँ रहते हैं ये भी बोलो। रुको, सबसे पहली बात मैं बता दूं, हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये ईजा आप कुछ कहोगे इस बारे में, मौन धारण करोगे? मौन धारण। चलो, ईजा ने मौन धारण कर, पसंद किया था मुझे, सही बात है, सबसे पहले हमारी मम्मी ने इसको पसंद किया था, और हाँ सारे परिवार वालों की पसंद ही है, लव मैरिज कहाँ है। हाँ, लव मैरिज नहीं है, लव मैरिज है नहीं है, मतलब वो भी एक चीज़ ये है कि हमारे जब हमने सोच रखा है कि 50,000 जो हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आपको एक बहुत अलग चीज़ बताएंगे, वो उसमें आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है, और उसके बाद ज्योति जोशी जी, आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं, क्या है यहाँ का नाम, हम लोग रहते हैं हिम्मतपुर तल्ला में। ठीक है, और ज्योति जोशी जी कहते हैं लक्ष्या इतना अच्छा कैसे गाती है, उसे कौन सिखाता है? कौन सिखाता है मतलब, गाइस मैं जाती हूँ कोचिंग सीखने के लिए, और मेरी एक प्यारी सी क्यूट सी मैम है, मेरे को सिखाती है, और रोज जाती हूँ मैं वहाँ, तो मतलब हारमोनियम मैं खुद से सीखती हूँ, लेकिन जो मेरा अलग से है म्यूजिक वोकल्स वो मुझे मेरी मैम सिखाती है, मतलब उसके लिए अलग से कोचिंग में जाती हूँ। राइट, तो खुद भी वो प्रैक्टिस करती है, हारमोनियम तो खुद सीखती है, बाकी इसका अपना कोर्स भी चल रहा है म्यूजिक का, है ना, और हाँ ये तो सबका वही आया था, आशा तिलार जी का, और हर्षित बोरा जी कह रहे हैं कि लक्ष्या कितने में पढ़ती है और भूवी भी। लक्ष्या आप अपनी क्लास बताओ, भूवी ने तो बता दी। गाइस मैं पढ़ती हूँ क्लास 9th में। राइट, तो 9th में पढ़ती है, अगर ये लोग जल्दी डाल देते हैं 10th में होती। तो हर्षित बोरा जी, लक्ष्या पढ़ती है 9th में, भूवी पढ़ती है नर्सरी में, सेक्शन बी है, तो ये भी आपने बता दिया। हाँ, भोपाल सिंह भोज जी, इनको भी धन्यवाद। हाँ। बहुत बहुत इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, ये भी हमारे सारे
व्लॉग्स सारे वीडियो सॉरी तीनों चैनल में बराबर हमारा मतलब सपोर्ट करते हैं और हमें कमेंट करके अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो भोजी आपको सबसे पहले तो हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमस्कार, और आप बहुत आदरणीय हैं, बहुत अच्छे हैं, और आपके भी रेगुलर कमेंट आते हैं, रेगुलर प्यार हमें मिलता है, रेगुलर सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, और हम लोग अपनी अपने पहाड़ की संस्कृति के लिए रेगुलर काम कर रहे हैं, और आप ही लोगों की, आप जैसे लोगों की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो हमारे भोजी कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा आज, बच्चों ने पकौड़ी बनाई, सबको एक एक मिला। हेमा ने वह दो उठाए, गरिमा जी ने सहेलियों संग खूब इंजॉय करा, बहुत अच्छा लगा। मेरा सवाल शेखर जी से, आप कितने भाई बहन हो? तो भोजी आपको जैसे कि हमारी मम्मी ने बताई दिया, हम दो भाई हैं, दो ही भाई बहन हैं, और मेरे बड़े भैया हैं, मैं छोटा हूँ। तो दो भाइयों में मैं छोटा हूँ। और तो इसके साथ अभी जिन लोगों के सवाल हम भूल गए हों लेने या नहीं ले पाए हों, तो उनके लिए स्पेशली मैं कहूँगा सॉरी, हम नेक्स्ट Q&A में उनको करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है Q&A आज का हम वाइंड अप करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एक बार फिर से, आप लोग हमारे ब्लॉग को देखते हो, सवाल करते हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ईजा कुछ कहना है, कुछ गाना वाना, कुछ पहाड़ी में गाना क्या है पहाड़ी में कुछ गाना, तूने कोई एक आध लाइन सुनानी है? ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गीत गाने लगी, वो तो गली गली हरी गीत गाने लगी। महलों में पली पल के जोगन चली, महलों में पली पल के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरी गीत गाने लगी। बहुत सुंदर। तो दोस्तों आप लोगों ने हम लोगों की आवाज़ें मतलब भजन वगैरह सुने होंगे, लेकिन ईजा हमारी जो है मम्मी बहुत अच्छा गाती है, बहुत प्यारा मीठा गाती है, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ, अभी गर्मी भी हो रही है, एसी वगैरह हमारे पास है नहीं, फ़ैन भी हम सब ने बंद कर रखे, मैं आपको बता दूँ इस समय सारे फ़ैन बंद हैं, और इतनी ज़्यादा सब ये भूवी हो गई, गरिमा, मेरी मम्मी और लक्षा, हम सब लोग इस समय ना पूरा पसीने से तर बतर हैं। पर यह है कि आज मन था यार, आज एक Q&A करना है, कब से हम Q&A नहीं कर पा रहे थे। तो एक बार फिर से मैं कहूँगा थैंक यू सो मच, लव यू ऑल फॉर वॉचिंग अवर चैनल, आप सबको बहुत सारा ढेर सारा प्यार हमारा चैनल देखने के लिए, गरिमा शेखर जोशी हिंदी चैनल देखने के लिए, शेखर जोशी ब्लॉग चैनल देखने के लिए, और हमारा पहाड़ी चैनल शेखर जोशी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के सपोर्ट, आप लोग के प्यार की वजह से ही आज हम लोग जो भी कर पा रहे हैं वो आप सबके सहयोग से। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार। जहाँ पर गलती होगी ध्यान मत देना। हाँ चलो बाय बाय, चलो बाय बाय, फैन चला दे।